आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज अस्त्र के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थिति पाठी। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटरों में क्या बद इंतजामी मौत बांट रही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटरों में मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 10 दिन से 12 दिन में 10 लोगों की मौत हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी मजदूर को कोरोना नहीं था। प्रदेश में सोमवार को ही लुंड्रा के एक युवक ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले क्वारंटाइन सेंटर में सांप के काटने से भी मौत हो चुकी है। वहीं अब इन मौतों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में न तो खाने पीने की व्यवस्था है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, लिहाजा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को बेहतर बता रहा है। खैर, मुद्दा बड़ा और गंभीर है। ऐसे में आज इस पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भी, जहां कोरोना के चलते लंबे समय से ठंडा पड़ा सियासी माहौल अब गर्माने लगा है और इसकी वजह है राज्य की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। मतदान की तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए पार्टियों ने कसरत शुरू कर दी है। दलों के नेता अपनी कोटियां बिठाने लगे हैं, कोई इशारों से तो कोई खुलेआम अपनी दावेदारी जताकर। प्रदेश में चल रही राजनीति को देखकर इतना तो साफ होने लगा है कि सत्ताधारी भाजपा और 15 महीने में ही सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस के लिए ये चुनाव आर पार की लड़ाई बन गए। दोनों पार्टियों की अंदरूनी राजनीति भी सतह पर आने लगी है। दावेदार उम्मीदवारी जताने लगे हैं तो कुछ उनकी उम्मीदवारी पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करने लगे हैं। ग्वालियर पूर्व की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में आज हम इस सीट के सियासी समीकरण पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां क्वारंटाइन सेंटर सब सवालों के घेरे में है। ऐसे में पहले चर्चा काल बना क्वारंटाइन के मुद्दे पर। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटरों में हो रही प्रवासी मजदूरों की मौत से हड़कंप मच गया है। अब तक कुल 14 मौतें हो चुकी है। हालांकि सरकार का कहना है कि मौतों की वजह कोरोना नहीं है। इधर बीजेपी ने सरकार पर तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें कोरोना के लक्षण देखे गए थे और सरकार इसे छिपा रही है। बहरहाल, सरकार की दलीलों और बीजेपी के आरोप के बीच कई अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, इसके पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए छत्तीसगढ़ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर मौत के सेंटर बन रहे हैं। बीते 15 दिन में प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटरों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें किसी ने फांसी लगाई तो किसी को सांप ने डसा तो किसी की अन्य कारणों से मौत हुई। वहीं अब इस तरह से मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने मौत के आंकड़े जारी करते हुए आरोप लगाया है कि क्वारंटाइन सेंटरों में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकांश लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, लेकिन सरकार यह तथ्य छिपाने में लगी है। हालांकि जिन जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों में मौत हुई है वहां के जिला प्रशासन ने मौत की वजह दूसरी बताई है। इधर भूपेश सरकार में मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा है कि कहीं न कहीं चूक हुई है, ये नजर आता है और इस पर विस्तृत जानकारी ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारियों पर जिम्मेदारी थोपना ठीक नहीं है क्योंकि वह भी दिन रात काम कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर में भी मौतों का सिलसिला थमा नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, सांप डसने से मृत्यु हो रही है, लोग क्वारंटाइन सेंटर छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार की क्या जवाबदारी है? जितने काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी जितने, उन लोग अपने घर बार छोड़ के उन लोग के लिए लगे हुए हैं। इतने मजदूरों को यहाँ से लाना है, इसके ट्रेन की व्यवस्था करना, इतना कैसे करते होंगे वो सोचो आप, फिर उसको कैसे कहोगे कहाँ पे लापरवाही हुई। बहरहाल, क्वारंटाइन सेंटरों में जिन हालातों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को रखा गया है उसकी तस्वीर भयावह है। क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों को रखे जाने की वजह यह है कि संक्रमण का फैलाव ना हो,
लेकिन प्रदेश के तमाम क्वारंटाइन सेंटरों की खस्ता हालत को सरकार आखिर क्यों नजरअंदाज किए हुए है, ये बड़ा सवाल है और जनता इसका जवाब जानना चाहती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों की लगातार मौत का मामला बड़ा ही गंभीर है। इसकी क्या वजह है, जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी एस सिंहदेव जी फोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ हैं, और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले कौशिक जी आपसे ही, कौशिक जी हमारे साथ सिंहदेव साहब भी हैं फोन में सुन रहे हैं, आपके क्या आरोप हैं, अगर संक्षेप में आप एक एक करके आरोप लगाएंगे बताएंगे उसका मैं उत्तर दिलवाने का प्रयास करूंगा माननीय सिंहदेव साहब से। कौशिक जी पहला आरोप बता दें कि क्या है, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर आपने आरोप लगाए, क्या कहना है, क्या आरोप है? देखिए आरोप और प्रत्यारोप का विषय नहीं है जी, मौजूदा जो हालात है जी इस बात को टीएस सिंहदेव जी भी स्वीकार करेंगे जी, और जनता भी स्वीकार कर रही है, मैं भी स्वीकार करता हूँ जी, कि जिस प्रकार से लगातार क्वारंटाइन सेंटर में मौतों का सिलसिला चल रहा है थमा नहीं है जी, क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के कोविड हॉस्पिटल तक लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं जी? जब दूसरे प्रदेश से लौट करके यहाँ पर आ गए जी तो अपने घर पहुंचने के बाद तो उनके मन में एक अच्छी सुखद अनुभूति होनी चाहिए जी, कि गलत दिशा में न जाए, लेकिन जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं जी। दूसरी बात, केवल आत्महत्या ही नहीं, वहां की जो व्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे तो सांप काटने से मृत्यु उनके मृत्यु हो गई है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आज ही कोंडा गांव में रात को जो मृत्यु हुई है, कल अंबिकापुर के हॉस्पिटल में जो मृत्यु हुई है, और आपके पास में सूची है इसलिए मैं सूची गिनाना नहीं चाहता जी। कुछ ऐसे मामले भी आए हैं बिलासपुर सिम्स के, लगभग सभी समाचार पत्रों में है कि पूरे सिम्टम्स पाए गए उनके जी, और पूरे सिम्टम्स पाए जाने के बाद में मृत्यु होने के बाद में उसको ये कहा जाना कि कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जी, लेकिन सिम्टम्स डॉक्टर भी बता रहे हैं कि सिम्टम्स वही रही है, सर्दी खांसी बुखार सांस में तकलीफ। उसके बाद में जो अभी मुंगेली में ही क्वारंटाइन सेंटर के 14वें दिन जिसकी मृत्यु हुई है, एकाएक उनकी मृत्यु कैसे हो गई उसका कोई कारण नहीं है। चलिए कौशिक जी, कौशिक जी एक एक मिनट, कौशिक जी एक एक करके, अभी तो हम काफी देर तक हम लोग साथ में हैं। आपने पहले कहा कि आत्महत्या, इसके मुद्दे पे बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे मन में भी थोड़ा सा एक ये सवाल उठ रहा है कि आत्महत्या करने के उसके व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, सरकार की परेशानियों के चलते वो आत्महत्या कर रहा है, इसको सीधे हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपने कहा पहले आत्महत्या फिर हम सांप के काटने पर बात करेंगे। सिंहदेव साहब, कौशिक जी हमारे साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में जो असुविधा है उसको लेकर के वहां के मजदूर जो क्वारंटाइन किए गए हैं उन्होंने आत्महत्या की है, हालांकि आत्महत्या हॉस्पिटल में भी हुई है, क्या कहेंगे सिंहदेव साहब? जी पहले तो आपको भी प्रणाम, और जी साथ में पैनल में माननीय धर्मलाल जी उपस्थित है उनको भी प्रणाम, सभी श्रोताओं को दर्शकों को प्रणाम। मेरा भी यही मानना है जो माननीय धर्मलाल जी ने जिस बात को कह के चर्चा प्रारंभ की थी कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये कहना कि भारतवर्ष में जितनी मृत्यु हुई है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये किस प्रकार की बात होगी जी? राज्य सरकारें हैं अपने तरफ से प्रयास कर रही हैं, और कमियां ना हो ये संभव नहीं है, मैं ये पक्ष का कभी नहीं हूं कि ये इस तरह से बात को कहूं कि जो है इससे बेहतर व्यवस्था ही नहीं हो सकती, कहीं आदर्श स्थिति देखनी है तो छत्तीसगढ़ में आइए, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि आदर्श स्थितियों से हम बहुत दूर वास्तविकता में रहते हैं, और जो सुविधाएं या व्यवस्थाएं शासन के पास रहती हैं उन्हीं में व्यवस्था करने की पहल शासन की ओर से होती है जी। और यही हम लोगों का प्रयास है, बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर हैं चाहे नागरिक हैं जिनको आना पड़ा है उनके लिए इंतजाम करना पड़ रहा है जी। और 4-4.5 लाख लोगों के लिए
ऐसी व्यवस्था करना जो अति उत्तम कही जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन काम इस परिस्थिति में है जहाँ वो संसाधन ही नहीं उपलब्ध है। अगर हम चाहेंगे कि ये 4 लाख लोगों को एक डॉक्टर चेक करें, डेली डॉक्टर चेक करें, तो वो नहीं है डॉक्टर। हम ये कहें कि नहीं हम तो डॉक्टर से चेक कराएंगे, ये संभव नहीं है। तो एक आदर्श स्थिति अपनी जगह रहती है और जो संसाधन है उसके हिसाब से काम करना। लापरवाही कहीं हो कि हम जान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और उसमें ऐसी घटना इस कारण से हो जाए कि ध्यान नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से जवाबदारी बनती है। और नैतिक जिम्मेदारी से मेरा ये मानना है कि सरकार कभी भी हो तो उसको पीछे भी नहीं हटना चाहिए। अगर ऐसी घटना घटित हुई है और हम कहें कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये भी बात उचित नहीं है। लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियों में पूरा प्रशासन, पूरा शासन, पूरा स्वास्थ्य अमला, नागरिक बड़े दबाव में काम कर रहे हैं और इन पर कठिन परिस्थितियों में कोशिश ये हो रही है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति कम से कम निराशाजनक हो, कम से कम नुकसान वाली हो। जी बिल्कुल कौशिक जी, ऐसे हम आज सवाल नहीं है, न सिंगल साहब आपसे है, न कौशिक जी हमारा आपसे सवाल है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है इस समय, कौशिक जी सवाल कर रहे हैं। लेकिन कौशिक जी ने जो आत्महत्या वाली बात कही थी, संक्षेप में अगर उसकी भी बात आ जाती सिंहदेव जी तो अच्छा रहता। ये अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीबी वार्ड में आइसोलेशन में एक युवक को रखा गया था जी। ये इसके पहले इनके सिम्टम्स लिए गए थे, वो नेगेटिव आए थे, फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे थे जी। तो उनको दोबारा यहाँ पर भर्ती कराया गया था अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के उस वार्ड में जी। दो और मरीज थे उस वार्ड में जो कि ठीक होके उसी के पहले निकले थे, ये अकेले बच गए थे। मैंने जो जानकारी ली थी सुपरिंटेंडेंट से और डीन साहब से, उनने मुझे ये बताया कि 2:30 बजे तक पेशेंट को अटेंड किया गया था भोजन वगैरह करके, और दिन के दोपहर के गैप के बाद 4 बजे के आसपास जब चाय वगैरह देने के लिए व्यवस्थापक वहां पहुंचे तो कमरा बंद पाया गया, और उस परिस्थिति में देखने पे फिर पुलिस को बुलाना पड़ा और ये स्थिति सामने आई कि ये दुर्भाग्य से ये 1.5 घंटे के अंदर ये दुर्घटना हो गई। ये सही है कि वो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती थे और कोविड के लक्षण सैंपल के लिए भेजे गए हैं, वो जैसे ही उपलब्ध होंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी उपलब्ध करा देंगे कि वो कोविड से ग्रसित थे या नहीं थे, संदिग्ध थे जी। और इसीलिए उनको आइसोलेशन में रखा गया था, वो कोविड ट्रीटमेंट में नहीं थे डायरेक्टली जी। कौशिक जी के पास चलते हैं, लेकिन सिंहदेव जी इसके पहले 2 क्वारंटाइन सेंटर में भी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली थी। कौशिक जी आपका अगला सवाल, जो भी सिंहदेव जी सुन रहे हैं उत्तर देंगे जी। मैं सवालों की घड़ी लगाना नहीं चाहता, नहीं वास्तविक में जिस तरह जो मुद्दा मजदूरों के हित में हो, क्वारंटाइन सेंटर में जो क्वारंटाइन उनके हित में हो, वो सवाल उठाइए ना आप। उसी बात में जा रहा हूँ मैं जी। वास्तविक में जिस प्रकार से संख्या में वृद्धि हो रही है जी, और वृद्धि होने के बाद में उसको रोक पाने में हम असफल रहे हैं, सरकार असफल रही है जी। अब इसको कैसे रोका जाए, क्या प्रयास सरकार के पास है, मुझे नहीं लगता है एक दिन में 44 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं। एक सप्ताह का आप यदि आंकड़ा देखेंगे जी, तो जैसे वृद्धि हो रही है उसका मुख्य रूप से मैं सिंहदेव साहब को एक सुझाव देना चाहता हूं जी, कि क्वारंटाइन सेंटर में एक पॉजिटिव गया जी, उसके बाद में उसमें लगातार वृद्धि हो रही है जी, और क्वारंटाइन सेंटर में ही पेशेंटों की जो संख्या बढ़ रही है जी। तखतपुर का एक मामला मैं बताना चाहता हूं, उस परिवार के 4 लोगों को पॉजिटिव मिल गए हाँ। उसका मतलब है एक भी पेशेंट आपके क्वारंटाइन सेंटर में है जी। और यदि समय रहते हमने उसको चेक नहीं किया और उनके सबके बीच में उनको रखा गया, तो बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है आखिर उसको कैसे रोकेंगे, उसके लिए आपके पास कोई उपाय क्या है? जो जैसी संख्या बढ़ती जा रही है मुझे लगता है कि बेहद चिंता का विषय है जी। और यदि ये गांव, अब दूसरी बात उसमें क्या है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए एक्चुअल में जो साधन सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है, स्वीकार भी कर रहे हैं जी। लेकिन वहां से निकल करके घर में चले जाते हैं, घर के लोगों को लोग को भोजन लेके यहाँ जाते हैं, जब तक रात को उनकी ठीक से चौकसी नहीं होगी, यदि वो घर में मिलने जाएंगे, यदि घर के एक लोगों को भी प्रभावित हुआ, तो ये तो सबको मालूम है कि मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य में इसका विस्तार होगा जी।
तो आखिर इसको रोक पाने में कैसे सफल होंगे, कैसे संभव होगा, इस विषय में मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो लगातार विस्तार हो रहा है, तो क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग जा रहे हैं असुविधा के कारण में जा रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहे उसके कारण जा रहे हैं, तो क्या उनको घर जाने से रोक पाने में आप सफल होंगे, उसके लिए कोई कारगर नीति बनाएंगे, और उसमें यदि सहयोग की बात करेंगे तो हम लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, हम उत्तर ले लेते हैं, लेकिन जहां तक आपने थोड़ा समय यहां पर बोलूंगा कि जहां तक आपने कहा कि बेतहाशा वृद्धि हो रही है, कौशिक जी आप भी जानते हैं, कहना नहीं चाहिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य प्रांतों के अपेक्षा मुझे लगता है काफी कंट्रोल है। मध्य प्रदेश में अकेले भोपाल में रोज 40 से 45 अकेले भोपाल में 45, 50, 55 इस तरह पेशेंट मिल रहे हैं, तो ये तो पूरा विश्व में इसके कारण हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो चुका था एक बार। सिंहदेव साहब, कौशिक जी ने जो सवाल उठाया है आपने सुना होगा, उत्तर देना चाहेंगे? जी, पहले तो कौशिक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुल के आगे ये कहा कि विपक्ष के अगुवा होते हुए उनके दल के या उनके साथ के लोग जितना सहयोग देना चाहें वो आमंत्रित से ज्यादा है, जितना सहयोग मिलेगा वो कम ही है, और मिलके हम सबको इस बहुत बड़े मानवीय त्रासदी में उसका सामना करना है। कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई एक दल नहीं कर सकता, अकेले शासन प्रशासन नहीं कर सकता, सबका सहयोग इसमें जब तक नहीं मिलेगा तो ये सीमित करना संभव भी मेरे ख्याल से नहीं है। जी। दूसरा जो बात आई कि इसके फैलाव की बात है, मैंने पहले भी अपनी राय इस बाबत मैंने रखी थी कि फैलाव किस स्टेज की बात हम कर रहे हैं। हमारे देश में कोरोना नहीं था, कोरोना आया विदेश से, जो लोग आए, बच्चे आए, सैलानी आए, व्यवसायी आए, जो ग्रसित इलाके में विश्व के गए वहां से कोरोना को लेके आए, जांच की गई तो पता चला कि वो कोरोना है, कोरोना कैरियर हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से काम हुआ। आज भी छत्तीसगढ़ में मेरा ये मानना है कि लगभग अभी कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं आई है, चिन्हांकित ग्रुप में से जो लोग देश के दूसरे भागों में से वापिस अब आ रहे हैं वो कोरोना को लेके आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना अभी तक नहीं फैल रहा है, मेरा ये मानना है, अपवाद कहीं हो मैं उसके लिए नहीं कह सकता जी। जैसे डिप्टी कलेक्टर के ड्राइवर की बात आई, उसको ट्रेस करना पड़ेगा कि उनको कहां से हुआ। एक डॉक्टर की बात धमतरी में आई, वो धमतरी में थे, वहां कोई केस नहीं था, लेकिन कांकेर के एक व्यक्ति आए जिनको बाद में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। जब वो आए थे तो कोई पॉजिटिव होने के लक्षण ही नहीं थे, पॉजिटिव होते तो अस्पताल में होते। तो अभी भी छत्तीसगढ़ में फैलने का क्रम चालू नहीं हुआ है। जो लोग प्रभावित हो के छत्तीसगढ़ आए हैं उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जांच के माध्यम से, और जांच भी जैसा माननीय कौशिक जी जानते हैं कि देश की भी, विश्व की भी और हमारी भी एक सीमा है कि हम 3000 से ज्यादा व्यक्तियों की जांच एक दिन में नहीं कर सकते, उतने संसाधन ही नहीं है। तो मैं कह दूं कि इतने से ज्यादा जो होगा हम सबका करेंगे तो वो गुमराह करना भी होगा, और सबके सामने आप वो कहिए कि नहीं आपने पहले से क्यों नहीं तैयार किया, तो उसके लिए अगर दोषी ठहराया जाना है तो निश्चित रूप से हम लोग दोषी हैं कि पूरा स्वास्थ्य तंत्र जो है देश का, प्रदेश का, विश्व का, वो ऐसी त्रासदी का सामना करने लायक नहीं दिखा। ये एक सच्चाई भी है जिस कारण से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ज्यादा ध्यान देना है, भविष्य की बात है वो, तो आज वैसे संसाधन नहीं है, ये अकाट्य सत्य है। हम 3000 लोगों की जांच एक दिन में कर सकते हैं, करीब करीब सैंपल लेके, यानी सैंपल की हम टेस्टिंग की रिपोर्ट 3000 के आसपास दे सकते हैं, उसकी ज्यादा क्षमता नहीं है। तो क्रमवार ही ये टेस्टिंग हो रही है, बाहर जाने की जो बात आ रही है क्वारंटीन सेंटर से, मनमाना भी करते हैं लोग, हमारे ही बीच के हैं, उनका पकड़ के बहुत ज्यादा सख्ती करके एक तरफ बात आती है कि आत्महत्याएं भी हो रही हैं, दूसरी तरफ कितनी ज्यादा सख्ती की जाए, आपके ही नागरिक हैं, पुलिस केस करते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, ये सारे प्रावधान हैं, पर वो हल नहीं है। नागरिकों का भी सहयोग हमको मिल सके इस बाबत भी कोशिश की जा रही है। 17000 अगर क्वारंटीन सेंटर हैं, 8 घंटे के लिए एक पुलिसकर्मी को अगर तैनात किया जाता है तो 17000 पुलिसकर्मी चाहिए, दिन में आपको 51000 पुलिसकर्मी चाहिए।
अगर एक पुलिसकर्मी को एक क्वारंटीन सेंटर में आप खड़ा करते हैं, क्या हमारे पास ऐसा पुलिस फोर्स है? हम क्यों आभार व्यक्त कर रहे हैं कौशिक जी का भी कि आप आगे आए इस परिस्थिति में भी और सहयोग के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये तंत्र के बस का अकेले नहीं है, इतनी बड़ा प्रबंधन नहीं है। खाना खिलाया, बहुत समाज सेवी संस्थाएं आगे आई, बहुत लोगों ने दल छोड़िए पार्टी छोड़िए आगे आके अपनी जो भी उनकी सोच या प्रतिबद्धता हो उसको किनारे करके आके कितनी सेवा की, कितना लोगों को खाना खिलाया, कितने दिक्कत के समय में राहत पहुंचाई। तो ये समय उस बात का है देखने का, क्योंकि शासन के तंत्र की निश्चित रूप से सीमाएं हैं, उसमें लापरवाहियां ना हो। इस सीमा के अंदर अगर लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, और गलती ना हो ये भी संभव नहीं है, मानव है, व्यक्ति है जी, कहीं ना कहीं उससे गलती भी जरूर हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नुकसान ना हो कि किसी की जान उससे चली जाए, वो फिर स्वीकार्य नहीं है जी। कौशिक जी, हमें लगता है कि आप संतुष्ट हुए होंगे सिंहदेव साहब के, हालांकि वो स्पष्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं, संतुष्ट हुए होंगे आप, उन्होंने बहुत सारी स्वीकार की बातें, अब क्या कहेंगे आप? बात सही है कि इतने व्यवस्था नहीं है, 15 साल सरकार आपकी थी, पुलिस जवानों की अगर बात हुई है तो भर्ती कितनी हुई है, 15 साल सरकार आपकी थी तो डॉक्टर कितने भर्ती हुए हैं, और ये शायद मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, आप विवेचना क्यों कर रहे हैं, मेरे को प्रश्न करने दीजिए। जी जी जी, करिए करिए। उसमें मैं जिस बातों का उल्लेख किया जी कि क्वारंटाइन सेंटर को जी कैसे उसमें सुधार कर सके, उसकी व्यवस्था कैसे बना सके, उसके लिए हम तैयार हैं जी। सारे चीज पुलिस के भरोसे आप नहीं कर सकते जी। यहाँ पर सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है कि स्वयं से संस्थाओं को आगे लाने का हमको प्रोत्साहन करना चाहिए जी, क्योंकि पुलिस जाके सुरक्षा नहीं कर सकते, गाँव में ही आपको गठन करना पड़ेगा, युवाओं की समिति बनानी पड़ेगी, उनके देखरेख में अनेक अवसर पर ऐसे हम लोग लिए हैं। दूसरी बात फिर मैं कहना चाहता हूं कि क्वारंटाइन सेंटर को सुधारने के लिए अब सरपंच थक गए हैं, मैं लगातार बोल रहा हूं कि सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं मिली है, क्या आगे उनको मिलने की संभावना है कि सरपंच पंचायत उम्मीद करे कि सरकार उनको कोई सहयोग करेगी, कि केवल सरकार बात ही बात करेगी और केवल सरपंच के ऊपर डाल करके इतिश्री करना चाहेंगे? तो ये आपके ऊपर है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लगातार इस बात को उठा रहा हूँ जी। सिंहदेव साहब जी, उन्होंने स्वयं से भी संस्थाएं को आगे आने के लिए कहा है, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे युवाओं की टीम बनाई जाए, सरपंच थक चुके हैं, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है पैसे की, इस तरह की कई बातें कही उन्होंने जी। अधूरा सत्य है, माननीय कौशिक जी हैं तो ये भी कभी आधारहीन बात भी नहीं करते जी। शासन की तरफ से पैसा नहीं दिया गया ये तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक अलग फंड से इसी व्यवस्था के लिए 25-25 लाख तो हर जिले को ही गए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है जी। और परसों ही मैंने मुख्यमंत्री जी के सचिवालय प्रमुख सचिव जी से मैंने बात की। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सिंहदेव साहब जी, जी एक मिनट में रोकना चाहूंगा, आप पंचायत मंत्री हैं जी, 14 वित्त आयोग की राशि केंद्र सरकार के द्वारा मिली है जी, आपने आदेश दिया है राज्य सरकार के आपदा कोष से, राज्य सरकार के कोरोना मद से, राज्य सरकार के किसी भी मद से, आज भी अपने एरिया का पंचायतों को पूछ लीजिए, 1 रुपए की राशि की मदद नहीं की गई है जी। जी वो जहां तक 14वें वित्त आयोग की बात है जी, ये राज्यों का अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो 14वें वित्त या वित्त आयोग के माध्यम से उपलब्ध होना है, ये राज्यों के अधिकार के स्वरूप में ये पैसा आता है, ये अलग से केंद्र सरकार का कोई फंड नहीं आता जी। जो संविधान में हमने व्यवस्था की है कि स्वायत्त शासी संस्थाओं को इतनी प्रतिशत राशि या जो वित्त आयोग तय करता है कि उनको उनके अस्तित्व के आधार पे, उनके हक के आधार पे, संवैधानिक हक के आधार पे मिलता है, वो राशि है 14वें वित्त की। उसके अतिरिक्त भी हो सकता है केंद्र सरकार ने कुछ राशियां उपलब्ध कराई हैं और कराई हैं, 29 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को ही कराई हैं मेरी जानकारी में, पर ये 14वां वित्त आयोग एक अलग मद है। और जो राशि राज्य सरकार की तरफ से जा रही है वो पंचायतों को नहीं जा रही है, वो सीधे जिला प्रशासन को जा रही है, और जिला प्रशासन
यथास्थिति जहाँ जिस पंचायत में जैसी व्यवस्था हो, कहीं 50 आदमी रुके हैं, कहीं 500 आदमी रुके हैं, कहीं 5 आदमी रुके हुए, ये राशि उस हिसाब से जिला प्रशासन आवंटित कर रही है। और मैं भी इस राय का हूँ, इस पक्ष का हूँ जो माननीय धर्मलाल जी कह रहे हैं कि पंचायतों की मूलभूत की राशि और 14वें वित्त की राशि, इसका उपयोग कोविड में सीधे न करके तात्कालिक आप स्टॉप गैप कर सकते हैं जब तक राशि का इस्तेमाल ना हो, वरना आदर्श यही रहेगा, उचित यही होगा, अगर उनने वो खर्चा कर भी दिया है वो उनको वापस दे देना चाहिए, वापस मिलना चाहिए। जी एक बात और उन्होंने कौशिक जी ने उठाई है कि आपके पास सरकारी तंत्र उत्तर नहीं है, ऐसे में कुछ वॉलंटियर्स वह तैयार करने चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो क्वारंटाइन सेंटर और इस तरह के जो बातें हैं सामने उनसे लड़ सके, उनके प्रबंध कर सके। जी मामला अभी गंभीर है लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा हल्कापन में ला रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि माननीय कौशिक जी कौन सी समाज सेवी संस्थाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे तो रोक किसी के लिए नहीं रहता, कोई भी सामने आके काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देर ही समाज सेवी संस्थाओं ने, जो मैंने भोजन इत्यादि की ही बात की, बहुत सारे लोग गाड़ियां भी उपलब्ध करा रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक दल भी गाड़ियों में झंडा लगा के लोगों को एक जगह से लाना ले जाना कर रहे हैं। तो रोक मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, अगर प्रशासन की जानकारी में कोई काम करना चाहे तो मैं तो नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ सरकार में प्रशासन ने किसी को रोक लगाया है, केवल अनियंत्रित ना हो जाए, कोई जोखिम ना ले लें, अति उत्साह में कोई ऐसे पेशेंट के नजदीक ज्यादा ना चले जाए, जैसा कौशिक जी ने स्वयं चिंता व्यक्त की कि परिवार के लोगों से ज्यादा घुलना मिलना होगा, जो अमूमन 90-95% नहीं हो रहा, लेकिन 5-10% ना हो रहा हो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम कोई भी नहीं किसी से मिल रहा है। तो किसी को मैं नहीं समझता कि रोक है, अगर ऐसी संस्थाएं जिला प्रशासन से मिलना चाहेंगी, संपर्क करना चाहेंगी, तो प्रशासन क्यों नहीं सहयोग लेगा। मुझे तो नहीं लगता कोई कारण है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति या समूह या संगठन का सहयोग ना लिया जाए। जी कौशिक जी आखिरी सवाल आपका, समय कम है, सिंहदेव साहब के पास भी समय कम है। जी कौशिक जी, जी मेरा अंतिम सवाल यही है जी कि जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना को लेकर के जी जो एक समय ये लगता था कि हम मुक्त हो गए हैं, लगातार बढ़ते जा रही है, मुझे लगता है कि अब संसाधन और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें सेवाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, और सिंहदेव साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए कोई कारगर उपाय करे जिससे अब भय की स्थिति उत्पन्न न हो और कंट्रोल में रहे, लेकिन अभी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अनियंत्रित स्थिति है। जी सिंहदेव साहब जी, अनियंत्रित कहना तो उचित नहीं होगा माननीय धर्मलाल जी, अगर अनियंत्रित होती तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती है। आप तुलना कर लीजिए चीन से, आप तुलना कर लीजिए इटली से, आप तुलना कर लीजिए स्पेन से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, अन्य जगहों से भी आप अगर तुलना कर लीजिए, दिल्ली से तुलना कर लीजिए, लेकिन कोरोना को हमने पार पा लिया, यही सबसे बड़ी भूल और सबसे गलत सोच होती है कि ना कभी कोरोना का छत्तीसगढ़ ने पार पा लिया था जब संख्या कम हो रही थी, हम केवल इंतजार कर रहे थे और आगे प्रबंधन करने का। कोरोना का लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमको तो कोरोना के साथ जीना सीखना है, आज नहीं कल नहीं आने वाले महीनों और हो सकता है सालों तक कोरोना हमारे बीच में रहेगा, और तब तक वैक्सीन आ जाए और व्यवस्थाएं हो जाए, ये जीवन की सच्चाई होगी। कोई राज्य दुनिया तो छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, कोई राज्य और दुनिया का कोई देश नहीं कह पाएगा कि हमने कोरोना से मुक्ति पा ली। ये हमको उसकी व्यवस्था को देखते जानते हुए, समझते हुए, लोगों की जांच करते हुए, आज मेरी जांच हुई, कल मैं कोरोना से प्रभावित हो सकता हूँ, आज मैं नेगेटिव हूँ कल प्रभावित हो सकता हूँ, ये इसका दायरा है। एक बार आपने 10 लाख लोगों की जांच कर ली तो वो 10 लाख लोग कोरोना मुक्त नहीं हो गए जी। ये 10 लाख लोग उस दिन के लिए कोरोना नेगेटिव पाए गए, कल के दिन उनको संक्रमण हो सकता है, ये भय की बात नहीं है, लेकिन सही स्थिति से अपने नागरिकों को अवगत कराने की बात है कि चिंता हम सबको करनी है,
चिंता से मुक्त हो गए वही कोरोना से हार का पहला कदम होगा। हम जब तक चिंतित रहेंगे कि कोरोना के साथ हम जी रहे हैं और ये कोरोना हम तक भी पहुंच सकता है, आज नहीं पहुंचा है तो कल पहुंच सकता है, तब हम सतर्कता बरतेंगे, तब लापरवाहियां कम होंगी शासन की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, आमजनों की तरफ से भी, तब हम कोरोना को नियंत्रित करने की बात सोच सकेंगे। मुक्त करने की बात आज विश्व में नहीं है। कौशिक जी, हमें लगता है कि आज स्वराज एक्सप्रेस को आप भी और सिंधिया साहब भी थोड़ा सा तो धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि आज चर्चा नहीं हुई, आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए, सुझाव और समाधान की बात हुई है। और मैं वर्षों से प्रोग्राम करता रहा, मुझे लगता है इतनी स्वस्थ सुझाव और उस पर समाधान की बात मुझे इसके पहले कभी नहीं हुई ऐसा। कौशिक जी, और कुछ आपके मन में हो, सिंधिया साहब भी जाना चाह रहे हैं, आप भी मुझे लगता है जल्दी में ही है, कुछ और पूछना चाह रहे हो तो सिद्धे साहब जी उपलब्ध है। बहुत शुक्रिया। मैं माननीय कौशिक जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और चैनल का भी बहुत बहुत आभार जो आपने सुझाव दिए और मौके दिए। जी कौशिक जी, जी आपको बहुत धन्यवाद। जी ये तो मानते हैं आप कि सुझाव जो आपने दिए हैं उसको उस, और जो आपने शिकायत की है उसके समाधान की भी बात की है सिंधे साहब ने, और उस सुझावों को मानने की भी बात कही है। आपके माध्यम से जनता तक हमारी आवाज पहुंच रही है जी, और लड़ने की बात नहीं है जी, इसको सुलझाने की बात है जी। आपने पहल किया उसके लिए आपको धन्यवाद जी, और जो सुन रहे श्रोता को भी धन्यवाद, हमारे मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। कहीं न कहीं पक्ष विपक्ष के बीच में सामंजस्य और तालमेल बिठाने का स्वराज एक्सप्रेस ने प्रयास किया है, मुझे लगता है काफी कुछ सफल भी हुआ है दोनों माननीयों से बात करके। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, अब आपने पूरी बहस सुनी, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष दोनों की, क्या लगता है आपको अगर ऐसे ही सामंजस्य विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में होता रहे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? नहीं, ये त्रिपाठी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, कि आरोप प्रत्यारोपों से अलग हटके जी, अगर समस्याएं और समाधान दोनों को सामने रख के बातचीत हो तो काफी पॉजिटिव काम होता है जी, और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोपों के समस्याओं का हल भी होता है जी। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में एक है जहां पर कोरोना की स्थिति काफी कुछ कंट्रोल है अन्य राज्यों के मुकाबले, बावजूद इसके जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की भीड़ के भीड़ आई और 17,000 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, तो उनको एकदम मैनेज करना ये भी आसान नहीं होता है और निसंदेह उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की हालत छत्तीसगढ़ से कहीं ज्यादा बदतर है, यहां पर भी स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक है, वहां तो फिर भी काफी पा लिया, लेकिन जिस अच्छे ढंग से स्वास्थ्य मंत्री ने समस्याएं सुनी और उसके साथ साथ उसका समाधान किया, निश्चित ही एक अच्छा मैसेज इससे गया है और आम लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा, जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनको भी सही मामले में उनको भी विचारों को न्याय मिल सकेगा और उनकी केयर हो सकेगी। बिल्कुल, आपने आप भी बहुत सारे चैनलों में डिबेट में जाते रहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी स्वस्थ बातचीत आरोप प्रत्यारोप भी बहुत कम देखने में आते हैं, निश्चित जी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, अब तक 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, इनमें करीब 235 एक्टिव केस हैं। वहीं अभी दूसरे राज्यों से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, ऐसे में संक्रमितों की संख्या में और इजाफा हो सकता है, इसका शब्दों में कहें तो हालत ठीक नहीं है। अब ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर जो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बनाए गए हैं, अगर वही लोग दम तोड़ने लगे तो फिर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब क्वारंटाइन सेंटर में लगातार मौतें हो रही हैं तो फिर सरकार इसे लेकर गंभीर क्यों नहीं हो रही, तो विपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है। जरूरी है शासन प्रशासन के बीच सही तालमेल हो, जैसा कि आज हुआ है, और सटीक जानकारी मिले, ताकि कोरोना काल में लोग कम से कम अव्यवस्थाओं के चलते तो परेशान न हो। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद रुख मध्य प्रदेश में करते हैं, जहां आज हम आपको ग्वालियर